प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। मुरादाबाद में बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या, बेटा बोला अब्बू को मेरी भाभी ने भाइयों संग मिलकर मार डाला। सिकंदराबाद फैक्ट्री में टीन शेड पर गिरकर युवक की मौत, कंपनी पर लापरवाही का आरोप, फैक्ट्री गेट पर किया प्रदर्शन। औरैया में हरी झंडी दिखाकर एसडीएम ने रवाना की टीम, लंपी बीमारी को रोकने के लिए पशुओं को करेगी टीकाकरण। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन की पंचायत का आयोजन, गन्ने का नहीं हुआ भुगतान तो गन्ना समिति पर की जाएगी तालाबंदी। सचिन मेरे भक्त और मैं उनका भक्त, तेंदुलकर के जबरन फैन सुधीर बोले मैंने क्रिकेट से शादी कर ली है। अंबेडकर नगर में नहर किनारे मिला युवती का शव, हत्या कर युवती को शव को नहर में फेंके जाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में एक अक्टूबर से एनसीआर में लागू होगा ग्राम प्रदूषण, बढ़ने के साथ बढ़ेगी पाबंदी, जारी किया जाएगा एक्शन प्लान। बरेली में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी से तमतमाए भाजपाई, सरकारी जमीन कब्जाने में पूर्व विधायक का बेटा गिरफ्तार। आगरा में सड़क हादसे में सैन्यकर्मी सहित दो दोस्तों की मौत, बुलेट पर स्टेशन छोड़ने जा रहे थे दोस्त और भतीजा। हमीरपुर में डग्गा मार गाड़ी संचालकों और ट्रक ड्राइवर में मारपीट, स्टीयरिंग से खींच कर मारा, डर तो भागा ट्रक ड्राइवर। मेरठ में मोबाइल पर गाली दी तो घर पर की फायरिंग, घर में घुसकर मारपीट करते हुए 10 से अधिक राउंड फायरिंग। प्रतापगढ़ में डेंगू से निपटने की नहीं कोई तैयारी, मेडिकल कॉलेज में भी जलभराव, शिक्षक को हो रही मौत। रेप के बाद अब जानलेवा हमले के आरोप में बरी, 3 साल से जेल में बंद सांसद अतुल राय को वाराणसी कोर्ट से बड़ी राहत। शाहजहांपुर पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पैसेंजर ट्रेन से करते हैं सफर, रात में घटना को देते हैं अंजाम। बीएमएस कॉपी कांड का आरोपी छात्र नेता सरेंडर की फिराक में, आगरा के दीवानी कोर्ट में डाली है सरेंडर एप्लीकेशन। फिरोजाबाद में नाले ढाको सत्याग्रह शुरू, लोग बोले इंदौर में खुले नालों को ढककर कूड़ा प्रबंधन किया जाए। भदोही में निरीक्षक व उप निरीक्षकों का तबादला, सदानंद सिंह बने गोपीगंज कोतवाली प्रभारी। कुशीनगर में पशु तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, 3 तस्कर गिरफ्तार, पैर में लगी गोली से 2 घायल, गोवंश भरा ट्रक बरामद। उन्नाव में फर्श पर हो रहा मरीजों का इलाज, जिला अस्पताल में एक ही बेड पर 2-2 मरीज भर्ती, डीएम ने मांगी रिपोर्ट। फरुखाबाद में दिखी झालर नुमा चमकीली रोशनी, लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला, जानकारों ने बताया स्टारलिंग इंटरनेट सैटेलाइट।
चित्रकूट में सुपोषित बच्चे होंगे पुरस्कृत। 25 में से 30 सितंबर तक आयोजित होगा वजन सप्ताह, बच्चों के लिए आयोजित होगी स्वास्थ्य। नगर निकाय चुनाव पर भाजपा का मंथन, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री की बैठक, रणनीति पर हुई चर्चा। कौशाम्बी में बच्चों को सिखाया लोकतंत्र का पाठ, बच्चों ने वोट डालकर चुना लीडर ऑफ द स्कूल, एक सप्ताह तक चला प्रचार। जिलाधिकारी ने किया अमृत सरोवर परियोजना का औचक निरीक्षण, परियोजना को देर से शुरू करने पर जताई नाराजगी। हमीरपुर बस स्टैंड पर यात्रियों ने किया हंगामा, 5 घंटे से बस नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा, डीएम ने उपलब्ध कराए वाहन। गाजियाबाद में ग्रामीणों का धरना, हंगामा जेई और बिजली कर्मियों पर घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप। उन्नाव में अवैध होर्डिंग्स पर चला बुलडोजर, आधी रात एसडीएम ने हटवाया अतिक्रमण, बोले आगे भी जारी रहेगा अभियान। चंदौली में उचक्कों ने उड़ाई हजारों की नकदी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, बैंक से रुपए जमा करने गया था युवक। हापुड़ में एक्स ईएन ने कटवाई टोल प्लाजा की बिजली, टोल काटने पर हुए नाराज कर्मचारियों के साथ की बहस। ज्ञानवापी फैसले पर राष्ट्रीय बजरंग दल ने बांटे लड्डू, कहा अयोध्या के बाद काशी मथुरा में भी भव्य मंदिर बनने की उम्मीद जगी। अलीगढ़ में 5 साल के बच्चे के अपहरण का मामला, पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार, 5 तमंचे, 10 कारतूस, 3 बाइक बरामद। अमेठी में एसडीएम और सीओ की अध्यक्षता में कोतवाली में हुई शांति कमेटी की बैठक, शांतिपूर्वक तरीके से मनाए त्योहार। अयोध्या में ज्ञानवापी मामले पर हाजी महबूब का विवादित बयान, ज्ञानवापी मस्जिद है और कयामत तक रहेगी। अमेठी में फर्जी डॉक्टर बन चला रहा था नर्सिंग होम, जांच में हुआ खुलासा, शिकायत होने पर मामला हुआ उजागर। बलिया में जेई और लाइनमैन पर युवक ने तानी बंदूक, वीडियो हुआ वायरल, युवक ने जेई को धमकाया। बुलंदशहर में बच्चा चोरी की अफवाह को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने चलाया जागरूकता अभियान, अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही। गाजियाबाद में नाले में डूब रही थी सेंट्रो गाड़ी, सेंट्रो को डूबता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, क्रेन से निकाला गया बाहर। गोंडा में सोशल मीडिया पर महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति अभद्र भाषा का किया प्रयोग में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में डॉक्टरों को विदेशी नंबर से आई सर तन से जुदा करने की धमकी, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर। गोंडा में आउटसोर्सिंग एनआरएलएम के कर्मचारियों का देशव्यापी हड़ताल, कहा हक मांगना गुनाह है तो हम सब गुनहगार हैं। गोरखपुर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने जाने पर धरना प्रदर्शन जारी, गांधी प्रतिमा पर 12 दिनों से धरने पर बैठे दुकानदार।
गाजियाबाद में बेरहमी से युवक को पीटने का वीडियो वायरल, दबंगों ने बेरहमी से लाठी डंडों से कर रहे युवक की पिटाई। हमीरपुर जिले में युवक की तालाब में डूबने से मौत, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में पेंटलून का शोरूम हुआ सील, जमीन मालिक पर है स्टाम्प ड्यूटी देने का आरोप, तहसील की टीम ने की बिल्डिंग सील। हमीरपुर में जंगल के पेड़ से लटका मिला लापता हुई लड़की का शव, स्थानीय पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में लेखपाल की अभद्रता पर महिलाओं ने चप्पलों से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। हरदोई में विधायक श्याम प्रकाश की बेतुकी बयान, फेसबुक पर पोस्ट लिखकर प्रदेश की गौशालाओं पर उठाया सवाल। श्रावस्ती में शिक्षा मित्र पर कक्षा 5 की छात्रा की पिटाई का लगा आरोप, परिजनों ने शिक्षा मित्र पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। सुल्तानपुर में अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर संविदा कर्मचारी, अधिकारियों ने न्याय की लगाई गुहार। संबल में ब्लैक की जा रही राशन सामग्री पकड़ी, सीडीओ ने कहा दोषियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। अंबेडकर नगर में 8 उप निरीक्षकों का तबादला, पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखा गया निर्णय। अयोध्या में अनियंत्रित रोडवेज बस पेड़ से टकराई, हादसे में 8 यात्री घायल, 3 यात्रियों को भेजा गया जिला अस्पताल। बदायूं में स्कूल से लौट रहे छात्र छात्राओं को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर, ई रिक्शा सवार छात्र छात्रा हुए गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में भाजपा नेता और सप्लाई इंस्पेक्टर के बीच जमकर हुई तकरार, तकरार का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। फरुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन हुआ खत्म, प्रशासन ने किसान यूनियन की मांगों पर जताई सहमति। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक की मां के कान काटकर कुंडल लूटे, सपा बोली लूटपाट से दहल रहा यूपी। गोंडा में सपा मुखिया दुर्गेश को दी आर्थिक मदद, गरीबी की मार झेल रहा परिवार की मदद के लिए सपा ने बढ़ाया हाथ। हरदोई में एसपी ने पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर धार्मिक राजनीतिक टिप्पणी से बचने के निर्देश दिए, नहीं तो होगी कार्रवाई। लखनऊ में दबंगों के खौफ से छात्र ने छोड़ा स्कूल, छात्र ने दबंगों पर रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। कानपुर पीएफ कार्यालय में सेंट्रल विजिलेंस का छापा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में फर्जीवाड़े की हो रही है जांच। लखनऊ में हादसे में घायल एक मजदूर की मौत, शटरिंग गिरने के दौरान हादसे में घायल हुआ था मजदूर। कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 पशु तस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर हुए घायल। लखनऊ में 9 इन होटल में महिला का मिला शव, हत्या की जताई जा रही आशंका, जांच में जुटी पुलिस।
सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की निजी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल को प्रशासन ने किया सीज। चौदह सितंबर को सुल्तानपुर के दौरे पर होंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा नेता और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे संवाद। बरेली में मोबाइल की बैटरी फटने से बच्ची की मौत और सौर ऊर्जा चार्ज हो रहा था फोन, धमाके से चारपाई जली। पीलीभीत में तीन दोस्तों ने की थी युवक की हत्या, रुपए के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद, शराब पिलाकर ब्लेड से गला काटा। बाराबंकी में गैर मान्यता मदरसों का सर्वे शुरू, टीम ने जुटाई जानकारी, मदरसा दारुल में मिले 7 कंप्यूटर। मुजफ्फरनगर में बैंक कर्मी से लूट का प्रयास, कैश कलेक्शन कर रहा लौट रहा था बंधक, बैंक एजेंट बाल बाल बचा। अमरोहा में डीएम ने देखी आरटीओ कार्यालय की व्यवस्था, कई अधिकारी और कर्मचारी मिले अनुपस्थित। मुरादाबाद में महिला को बाल पकड़कर घसीटा, बेल्टों से पीटा, महिला बोली चाची के भाइयों ने मुझे बेरहमी से पीटा। कन्नौज में प्रेमिका से मिलने गए युवक का शव मिला, परिवार के लोग बोले लड़की के भाई और पिता ने की है हत्या। महाराजगंज में मंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए फीडबैक, बोले समस्या को समय से निस्तारित करें अधिकारी। सड़क हादसे में युवक की मौत, दूसरा गंभीर, औरैया में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, सामान खरीद कर लौट रहे थे घर। शामली में गन्ने के बकाया भुगतान पर चक्का जाम, ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे राकेश टिकैत, किसानों ने पानीपत खटीमा हाईवे जाम किया। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख